हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका सिटी स्कैलेंस 2 की एक और नए मजेदार गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने इस सिटी में बस का ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर दिया था। सारे एरिया में बस चल रही है, एक बस चल रही है इस पूरे एरिया में, बाकी ये बस यहाँ तक आती है, यहाँ से कनेक्ट करती है इस वाले इंडस्ट्रियल जोन से। बाकी इधर को जो भी थोड़े बहुत लो डेंसिटी रेसिडेंशियल जोन है, इधर को फार्मिंग इंडस्ट्री है, यहाँ से भी लोग बस से जा सकते हैं। एक बस स्टॉप देखो मैंने यहाँ पर बना रखा है और यहाँ पर लोग वेट भी कर रहे हैं और लोग आ भी रहे। भाई कितने सारे लोग आ रहे हैं। ओ नाइस, ये देखो बहुत सारे लोग ट्रेवल करके सिटी से यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ एरिया है लो डेंसिटी वाला, इधर को थोड़ी बहुत फार्मिंग इंडस्ट्री है। बाकी अभी ना यहाँ पर आजू बाजू में यहाँ पर लो डेंसिटी बिल्ड करने वाला है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कमर्शियल बिल्ड कर रखा है, तो इसके आसपास थोड़े से लो डेंसिटी रहने चाहिए। बाकी एक बस चलती है पूरा इस वाले एरिया में, ये वाला जो एरिया बन रखा है यहाँ पर बस चलती है, और एक जो बस जाती है यहाँ पर। पिछले वीडियो में हमने एक नया एरिया ग्रो किया था तो यहाँ पर भी बस चल रही है। और अभी अपने सिटी का पॉपुलेशन देखोगे तो 7400 हुआ है और काफी ज्यादा माइनस में भी हम जा रहे हैं, कभी कभी प्लस में आ रहे हैं, कभी कभी माइनस में जा रहे हैं। अभी डिमांड देखोगे तो लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी का सबसे ज्यादा आया हुआ है, तो आज हाई डेंसिटी के एरिया भी बिल्ड करेंगे और भी बहुत सारी नई नई चीजें आज बिल्ड करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में काफी ज्यादा मजे आने वाले हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, तो सबसे पहले मुझे ना कुछ चीजें बिल्ड करनी है यहाँ से। इस वाले में से देखोगे ना लार्ज पार्क वगैरह मैंने अनलॉक कर ही नहीं रखा है, तो इधर वाले एरिया में थोड़े बहुत पार्क चाहिए। काफी ज्यादा बड़ा एरिया बना दिया है बट हमने ना कुछ पार्क वाली चीजें ज्यादा लगाई नहीं है। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ पर और सबसे पहले तो अनलॉक करते हैं पार्क मेंटेनेंस, ये अनलॉक करना पड़ेगा, इसको अनलॉक कर लेते हैं। अब अनलॉक करते हैं लार्ज पार्क पहले अनलॉक करूँ या तो फिर स्पोर्ट्स पार्क अनलॉक करूँ। पहले स्पोर्ट्स पार्क अनलॉक करते हैं और लार्ज पार्क भी अनलॉक कर ही लेते हैं। अभी भी हमारे पास 10 डेवलपमेंट पॉइंट बचे हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लार्ज पार्क में एक यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ इस वाले जगह पर, रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने, काफी बढ़िया लगेगा देखने में। या तो कुछ और पार्क प्लेस कर सकते हैं, स्पोर्ट्स पार्क आ जाएगा क्या? ये सब तो बहुत छोटे हैं, वैसे प्लेस तो कर सकते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। अगर मैं एक यहाँ पर इसको प्लेस कर दूं तो सही रहेगा। बास्केटबॉल भी एक मैं प्लेस कर सकता हूँ इस वाले जगह पर, बाकी एक टेनिस कोर्ट भी प्लेस कर सकता हूँ। सारी चीजें एक ही जगह पे आ जाएंगी, तो एक मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। आ जा भाई इस वाले रोड से आ जा। यस ओके, बहुत सारी चीजें एक ही जगह पे हो गई। वैसे अलग अलग जगहों पर भी प्लेस कर सकता हूँ, एक ही जगह पे जरूरी नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ या तो ये यहीं पर रहने देते हैं, इसको मैं यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ इस वाले जगह पर, तो ज़्यादा एरिया को ना कवरेज मिलेगा। और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। एक मुझे यहाँ पर ना पार्क बिल्ड करना है, लार्ज सिटी पार्क। क्या यहाँ पर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। वेट, अगर इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा इस वाले जगह पर तो क्या अब लार्ज सिटी पार्क आ पाएगा? अभी भी नहीं आ पा रहा। एक बार ये ऑफ करके देखते हैं, वैसे अब तो आ जाना चाहिए। ओ भाई बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है यहाँ पर। स्नैपिंग ऑफ करना पड़ा बट प्लेस हो गया। ओके, क्या मस्त लग रहा है इस वाले जगह पर देखने में। यहाँ से बस वगैरह भी आती है, यहाँ पर बहुत बड़ा सा पार्किंग बना रखा है, काफी ज्यादा सही है। इस वाले जगह पर ना एक मैं कमर्शियल की बिल्डिंग बना सकता हूँ। वैसे हाई डेंसिटी का अनलॉक होता है ना तो उसको बनाऊंगा, वो ज्यादा बेटर लगेगा देखने में। तो यहाँ पर अभी के लिए ये छोड़ देते हैं। वैसे हाई डेंसिटी अनलॉक ही होने वाला है, लेवल 8 पे हम हाई डेंसिटी के बिल्ड कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ पर पार्क की कमी है भाई बताओ, किधर पार्क की कमी है? वैसे पार्क की कमी तो कहीं पर भी नहीं है, इस वाले एरिया में होगा, इधर भी नहीं है। ओके, वैसे इधर को ज्यादा कुछ चीजें है नहीं ना, तो थोड़ी बहुत चीजें हम प्लेस कर सकते हैं, थोड़े बहुत पार्क वगैरह इधर भी लगा सकते हैं। एक तो मैं लगा देता हूँ स्केट पार्क यहाँ पर, उसके बाद बास्केटबॉल भी यहाँ पर एक लगा देता हूँ और एक लगा देता हूँ। लार्ज प्लाजा आ जाएगा कहीं पर, इधर तो कहीं पर भी नहीं आ पाएगा, इस वाले जगह पर आ जाएगा, तो प्लेस कर देते हैं यहाँ पर। चलो भाई इधर का भी हैप्पीनेस थोड़ा सही हो जाएगा। बाकी अभी यहाँ पर ना थोड़े बहुत रेसिडेंस भी मैं बना सकता हूँ। यहाँ पर मुझे रेसिडेंस बनाना था, ये वाला मुझे रोड करना है डिलीट, ये डिलीट हो जा। बाकी इस वाले रोड में मैं ग्रेवल का रोड बनाता हूँ, यहाँ से लेके चलता हूँ इसको बिल्कुल सीधा 90 के एंगल पे। यस परफेक्ट है। उसके बाद इसमें थोड़े बहुत ऐसे रोड कट कर देंगे जहाँ पर कि हम अलॉट कर पाएँ। वैसे इसको यहाँ से कनेक्ट कर दो क्या? नहीं नहीं, ऐसा ही सही रहेगा। इसमें भी मैं राउंड अबाउट बना सकता हूँ, जैसे एक यहाँ पर बना दिया, एक यहाँ पर बना देते हैं, एक यहाँ पर बना देते हैं, ये भी सही लग रहा है देखने में। यस, और इसके साइड साइड में नेवर रूट बना सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़े से लो डेंसिटी के लिए अलॉट कर देता हूँ। वैसे यहाँ पर ना थोड़े से अमेरिकन लो डेंसिटी अगर बनाता हूँ तो वो कैसे लगते हैं? ज़्यादा नहीं बनाएंगे, बस थोड़े बहुत। एक यहाँ पर बिल्ड कर देते हैं, एक इधर को। चलो भाई बनाओ, मिक्स करके बनाते हैं अमेरिकन यूरोपियन। वैसे इधर को यूरोपियन बन रखे हैं, ये सब थोड़े से अमेरिकन बनेंगे। वेट, एक चीज़ और करना था मुझे, यहाँ से जो ये वाला रोड है ना यहाँ पर कनेक्ट करना था इस वाले जगह पर, और अब यहाँ पर एक राउंड अबाउट बनाऊंगा। यस,
भाई मैं कितना गरीब हो गया हूँ यार, पैसे तो बिल्कुल नहीं है, मुझे लग रहा है अब लोन लेना ही पड़ेगा। वैसे यहाँ पर भी मुझे कुछ चीजें बिल्ड करना था, वो तो मैं बिल्कुल ही भूल गया। इसको पहले कंप्लीट करते हैं, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर मुझे थोड़े से रेसिडेंस वगैरह भी बनाने हैं, थोड़े कमर्शियल। इसको मैं यहाँ तक सीधा लाता हूँ, फिर इसको कर्व करके यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। एक यहाँ से सीधा लाते हैं इधर तक, ये आ जाएगा यहाँ पर। इधर साइड से जोनिंग हटाने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये रोड बना देते हैं पाथ, बाद में इसको हम डिलीट कर देंगे, नहीं तो फिर ये जोनिंग बहुत खराब होता। बाकी यहाँ पर भी मैं थोड़े से पाथ वगैरह बना देता हूँ जिससे जोनिंग अच्छी हो पाए, ऐसे बना देता हूँ। देखो अब परफेक्ट जोनिंग होगा यहाँ पर। यहाँ पर मुझे थोड़े से मीडियम और थोड़े से लो डेंसिटी बनाने थे। ये तो नॉर्थ अमेरिकन है ना, तो नॉर्थ अमेरिकन ही थोड़े से अलॉट कर देते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक नॉर्थ अमेरिकन। उसके बाद इधर को अलॉट कर देते हैं थोड़े से यूरोपियन। लो भाई बनाओ फटाफट से, अभी इतना इधर बन जाएगा। वैसे इस वाले रेलवे स्टेशन का यूज लोग कर रहे हैं। यहाँ पर पैसेंजर वेटिंग 28, ओ नाइस, चलने लग गया। पहले तो इक्के दुक्के लोग रहते थे, अब चलो अच्छी बात है कि यहाँ पर लोग ट्रेवल करना स्टार्ट कर दिए हैं, पैसेंजर वेट कर रहे हैं। जैसे इसके आसपास में थोड़ा सा पॉपुलेशन बढ़ेगा ना, तो इसका यूज और भी बढ़ जाएगा। ये ट्रेन स्टेशन के पीछे मैं क्या बिल्ड कर सकता हूँ इस वाले जगह पर? क्या मैं यहाँ पर थोड़े से इंडस्ट्री बिल्ड कर सकता हूँ, रिवर फ्रंट इंडस्ट्री? बट उससे ना पॉल्यूशन होगा यार सिटी में, क्योंकि एयर का डायरेक्शन अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो इधर ही साइड को जा रहा है। यहाँ पर इंडस्ट्री बनाऊंगा तो देखो यहाँ पर इंडस्ट्री बना रखा है, कितना ज़्यादा एरिया तक पोल्यूशन है। तो अगर मैं यहाँ पर बनाऊंगा ना तो भी ये पोल्यूशन काफी ज्यादा एरिया तक जाएगा, तो इधर के लोग थोड़े बीमार हो जाएंगे, बट देखने में काफी अच्छा लगेगा। एक बार को मैं ट्राई करता हूँ, ये विंड टर्बाइन हटा देते हैं, यहाँ से ये हटाओ, यहाँ से ये हटाओ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर टू लेन का रोड बना देता हूँ की वॉल से, तो इसको बनाने थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं फटाफट से इसको पहले कंप्लीट करता हूँ। पहले मैं सोच रहा था ये वाला जो की वॉल है ना पूरा यहाँ तक बनाऊंगा, इस वाले जगह तक, बट इधर को क्या है स्पेस कम पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने रेलवे ट्रैक बनाया हुआ है, तो यहाँ पर अगर वो की वॉल वाला रोड बनाता हूँ तो कोई फायदा ही नहीं है उसका। आई थिंक उसके ऐसे ही नेचुरल छोड़ देना ना ज़्यादा सही रहेगा, ऐसे ज़्यादा बेटर लगेगा देखने में। यहाँ पर मैंने बस थोड़ा सा रिवर फ्रंट बना दिया जहाँ पर कि मैं ऐसे फैक्ट्री वगैरह बना पाऊँ, देखते हैं कैसा लगता है देखने में। इसका रोड मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया इस वाले जगह से, यहाँ से एक ब्रिज बन गया है और डायरेक्टली फिर इधर को आ सकते हैं। बाकी इधर को अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया, इधर को मैं कहाँ पर कनेक्ट करूँ? इसको वैसे यहाँ से सीधा भी लेके जा सकते हैं, जैसे अगर मैं इसको यहाँ तक ला देता हूँ, ये भी काफ़ी सही लगेगा देखने में, यहाँ तक आ जाएगा। फिर इसको यहाँ से सीधा ला सकते हैं और अब इसको यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कनेक्ट करूँ या फिर डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्ट करूँ? यहाँ पर भी कर सकते हैं ना, इसको अगर मैं यहाँ तक ला के यहाँ पर ऐसे कनेक्ट करता हूँ तो भी सही रहेगा। नहीं, थोड़ा सा पीछे से करो करते हैं, यहाँ तक ला देते हैं और अब करो करके कनेक्ट करते हैं। यस, ये बेटर लग रहा है ना, बीच में रेलवे ट्रैक, इस साइड को टू लेन का रोड, इस साइड को फोर लेन का रोड, सही लग रहा है देखने में। यहाँ पर ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री नहीं बनने वाली है, बस छोटे छोटे बनेंगे। बहुत छोटा सा लेआउट बनाऊंगा और उसी लेआउट में पूरी इंडस्ट्री बनने वाली है। माइलस्टोन 8 कंप्लीट कर चुके हैं हम और फाइनली अब हम हाई डेंसिटी के हाउसिंग बना सकते हैं, ऑयल ड्रिलिंग भी अब हम कर सकते हैं। अब तो बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करने वाले हैं। इसके बीच से भी एक रोड बना दूं क्या, यहाँ से एक रोड यहाँ के लिए ऐसे? अब इस साइड को तो देखो मैं अलॉट कर सकता हूँ, बट इस साइड को मैं अलॉट नहीं कर सकता हूँ ना, ये वाले साइड, ये दो दो का हो गया है। तो अगर मैं यहाँ पर एक पाथ बना दूंगा यहाँ तक डायरेक्ट, तो ये फिर इधर को मैं अलॉट कर सकता हूँ। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको सही करना पड़ेगा। ओके, तो अब ये ज़्यादा बेटर हो गया, नहीं तो ये 2x2 का कैसे अलॉट करता, देखने में भी अच्छा नहीं लगता। अब थोड़ा सा बड़ा एरिया हो गया है तो इसमें अलॉट करेंगे, ज़्यादा बेटर लगेगा देखने में। तो यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा इंडस्ट्रियल जोन, बस यहाँ पर पॉल्यूशन कुछ ज़्यादा ना हो जाए। पूरा मैंने अलॉट कर दिया और अब इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर घर बनेंगे डिलीट कर सकते हैं। यस, अभी डिमांड बहुत ही ज़्यादा कम था, तो जितना डिमांड था उतना तो बन गया। बाकी हाई डेंसिटी का डिमांड बहुत ही ज़्यादा आया हुआ है और हाई डेंसिटी की बिल्डिंग फाइनली अनलॉक हो गई है। तो अब हम बिल्ड करने वाले हैं हाई डेंसिटी। यस, पहले तो हाई डेंसिटी हम बिल्ड करेंगे इस वाले एरिया में, और इधर का जो लो डेंसिटी है ना, इनको तो देखो गैप करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा हाई डेंसिटी वाला एरिया ही होने वाला है। तो किधर से स्टार्ट करूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट करूँ या फिर इधर को? वैसे यहाँ पर देखने में ज़्यादा बेटर लगेगा, तो पहले तो मैं सोच रहा हूँ इधर से स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पर बिल्ड करेंगे यूरोपियन स्टाइल लार्ज अपार्टमेंट बिल्डिंग, ये इसको बिल्ड करेंगे यहाँ पर। पहला आएगा इस वाले जगह पर, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती है।
ओ नाइस, फाइनली कुछ बड़ी बिल्डिंग देखने को मिलेंगे सिटी में। वैसे दो ही इसको रहने दो क्या? इसके बाजू में यहाँ पर मिक्स हाउसिंग के लिए अलॉट कर देता हूँ, और इस साइड को मैं मीडियम के लिए अलॉट कर देता हूँ, या तो फिर थोड़े से मीडियम और यहाँ पर थोड़े से हाई। ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी की बिल्डिंग बना दूंगा तो ज़्यादा सही नहीं लगेगा देखने में। अभी इसको बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्पीड में बढ़ा देता हूँ जिससे कि जल्दी से जल्दी बिल्ड हो। यहाँ पर तो वैसे पूरी फैक्ट्री बन के रेडी हो गई है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। बस इसमें से मुझे ना कुछ फैक्ट्री हटानी है, जैसे ये सब स्मोक वाली फैक्ट्री यहाँ पर नहीं रहेंगी, ये बहुत ही ज़्यादा टट्टी लगती है देखने में। वेयर हाउस टाइप का कुछ बना सकते हो, बाकी और भी चीज़ें बना सकते हो, जैसे ये है एलएफ क्लॉथिंग, ये सब कंपनी, ऐसी टाइप की कंपनी यहाँ पर बनने वाली है। जिस भी फैक्ट्री से स्मोक निकला समझो वो यहाँ से चटका, वैसा कुछ चाहिए ही नहीं। वैसा बना देंगे तो देखने में बेकार लगने लगेगा। और हाँ एक चीज़ और करना है, यहाँ पर जैसे इस इंडस्ट्री में किसी को आना हुआ रेलवे स्टेशन से तो वो क्रॉस होके यहाँ से चला जाए तो यहाँ पर एक पेडेस्ट्रियन ब्रिज बनाना पड़ेगा। अरे यार ये स्मोक वाली कंपनी मानती नहीं है भाई, चटको यार, ये नहीं चाहिए भाई। हेलो, कुछ अच्छी चीजें बिल्ड करनी है तो बनाओ, नहीं तो भाई भाग जाओ यहाँ से, मेरे को चाहिए ही नहीं। यहाँ पर मैं एक पेडेस्ट्रियन आर्च ब्रिज बनाता हूँ ना, ये कैसा लगेगा देखने में। इसकी हाइट को मैं करता हूँ 10 मीटर, नहीं इसको 8.5 करते, 8.75 करते हैं, इतना तो बहुत होगा। इसको मैं लेके चलता हूँ यहाँ से यहाँ तक, बराबर डन। और इसको अब हम करेंगे इधर को डाउन, पूरा नीचे ला देंगे, वैसे नॉर्मल कर देता हूँ इधर को। अब ये यहाँ पर आ जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा, और इसको कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर, डन सीन। सेम चीज़ हम इस साइड को करेंगे, इसको लाएंगे यहाँ पर, ग्राउंडेड करना है अपने को, यहाँ से आ जाओ यहाँ तक बराबर। ये क्या प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा इसको और आगे तक लाना पड़ेगा क्या? यहाँ तक ला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसको डाउन करूँगा तो नॉर्मल करते हैं और पूरा इसको डाउन कर देते हैं यहाँ पर, और ये कनेक्ट हो जाएगा इस वाले जगह पर। इन दोनों को वैसे मैं सीध में कर सकता था, अच्छा सीध में नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर ना ट्रेन स्टेशन का आ रहा है तो इधर तक आ ही नहीं पाएगा। ऐसे भी अच्छा लग रहा है देखने में। और इधर को मैं थोड़े बहुत ट्री प्लेस कर देता हूँ, इस पूरे एरिया में ना ट्री की थोड़ी सी कमी है भाई, ट्री प्लेस करो तो ज़्यादा बेटर लगेगा देखने में। ओके, अब सही है ना? यस, अब देखो थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है, सबकी सब फैक्ट्री अच्छी बन गई। बस इन दोनों को दिक्कत है भाई। तुम दोनों को क्या दिक्कत है भाई, क्यों धुएं निकाल रहे हो? धुएं वाली फैक्ट्री नहीं चाहिए। पार्किंग वगैरह मैं यहाँ पर बिल्ड कर सकता हूँ क्योंकि पार्किंग यहाँ पर एक भी नहीं बिल्ड किया, तो एक पार्किंग में बना देता हूँ इस वाले जगह पर। लो भाई तुम्हें पार्किंग कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पार्क कर सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर लो डेंसिटी के हाउस मैंने अलॉट किए थे जो कि बन गए हैं। थोड़े से यहाँ पर मुझे कमर्शियल बिल्ड करना है तो इतना कमर्शियल बिल्ड कर देते हैं और थोड़े बहुत और लो डेंसिटी के अलॉट कर देते हैं, इधर को बनता रहेगा। वेट, इधर को क्या हुआ? ओ भाई कितनी सारी बिल्डिंग अबेंडन हो गई। भाई मुझे पहले ही ध्यान देना चाहिए था कि इधर को क्या प्रॉब्लम चल रहा है। इधर को मैंने कमर्शियल एक भी बिल्ड नहीं किया है क्या? ओ नो, कमर्शियल तो यहाँ पर बिल्कुल है ही नहीं भाई, पूरी बिल्डिंग यहाँ पर रेसिडेंस है। तो पहले तो कमर्शियल इनके लिए देता हूँ, यहाँ पर लो कमर्शियल इस वाले एरिया में, और कमर्शियल चाहिए तो यहाँ पर लो कमर्शियल इस वाले एरिया में बनाओ, बाकी कमर्शियल और चाहिए तो हम यहाँ पर बना सकते हैं, यहाँ पर भी कमर्शियल बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लो भाई थोड़े से कमर्शियल अब बन गए यहाँ पर ना। क्राइम सीन इधर को हो रहा है क्या? ओ भाई क्राइम वगैरह नहीं चलेगा यहाँ पर। वैसे फैसिलिटीज वगैरह यहाँ पर मैंने क्या क्या लगाया? कुछ भी फैसिलिटीज यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर पहले मैं सारी चीजें चेक कर लेता हूँ, पहले हेल्थ केयर चेक कर लेते हैं। ये तो अभी बराबर चल रहा है, सेमेट्री वगैरह ठीक ठाक है, हेल्थ केयर अवेलेबिलिटी ये भी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फायर एंड रेस्क्यू ये भी ठीक ठाक ही चल रहा है, बाकी उसके बाद पुलिस स्टेशन ठीक है, पुलिस स्टेशन भी ठीक है। क्राइम की प्रोबेबिलिटी है 8%, इतना होना चाहिए वैसे। एलिमेंट्री स्कूल सही है, हाई स्कूल सही है, कॉलेज वगैरह बनाना पड़ेगा। यस, 8,000 की पॉपुलेशन हो गई है, कॉलेज बना सकते हैं जिससे कि लोग ना थोड़ा और एजुकेटेड हों। तो कॉलेज में किधर को बनाऊं? ये वाला लेआउट मैं डिलीट करके यहाँ पर कॉलेज वगैरह बनाना स्टार्ट करूँ क्या? ओ भाई ये बन गया हाई डेंसिटी वाली बिल्डिंग, भाई कूल लग रहा है ये तो देखने में। ओके नाइस यार, देखने में तो वैसे ये काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। तो इधर ही आसपास में मैं कॉलेज बिल्ड कर सकता हूँ, जैसे कि इस वाले एरिया में यहाँ पर मैंने हाई स्कूल लगा रखा है, इसके आसपास में कॉलेज हो जाएगा तो सही रहेगा। यहाँ पर मैंने हाई स्कूल लगा रखा है ना, तो क्या इसके पीछे इधर को मैं कॉलेज बिल्ड कर दूँ? कॉलेज तो अपने को अनलॉक करना पड़ेगा। अब चलते हैं यहाँ पर और चलते हैं एजुकेशन में, कॉलेज के लिए 1 डेवलपमेंट पॉइंट लगने वाला है, अनलॉक करो। और इसको मैं कहाँ पर बिल्ड करूँ, यहाँ पर बिल्ड करूँ या फिर इस साइड को बिल्ड करूँ? वैसे अगर यहाँ पर बिल्ड करूँगा ना तो यहाँ पर हाई स्कूल और कॉलेज दोनों पास में हो जाएंगे,
तो वो भी सही रहेगा आई थिंक। यस, ये रोड मैं डिलीट करता हूँ। और कॉलेज बिल्ड करने से पहले यहाँ से एक रोड लेके चलते हैं सीधा इधर तक। ये आ जाएगा यहाँ पर और कनेक्ट हो जाएगा इस वाले जगह पर, और हम कॉलेज को बिल्ड कर देंगे यहाँ पर बिल्कुल बीच में। यस, ओ नाइस, ये कॉलेज की लोकेशन काफ़ी सही है, इस वाले जगह पर बहुत सही लग रहा है। यहाँ से इस रोड को भी कंप्लीट कर सकता हूँ वैसे, अगर मैं इसको सीधा ला के यहाँ पर कनेक्ट कर दूँ तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, कॉलेज के सामने लगाएंगे एक बड़ी सी पार्किंग इस वाले जगह पर। और यहाँ पर मैं क्या बिल्ड कर सकता हूँ, इधर को जैसे लाइब्रेरी वगैरह होता है ना वो बिल्ड कर सकता था, बट वैसी कोई चीज़ है नहीं मेरे पास। या तो कमर्शियल बिल्डिंग बिल्ड कर सकता हूँ, अभी के लिए तो इसको इतना रहने देते हैं। इसमें अपग्रेड्स वगैरह भी होते हैं तो इसको फुल अपग्रेड कर दूँ। एक्सटेंशन विंग इसमें लगता है और ये भी लगा सकते हैं, वैसे ये लगा सकते हैं ना कॉलेज लाइब्रेरी, हाँ ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। कॉलेज लाइब्रेरी इधर को लगा सकते हैं, इधर को तो नहीं लगा सकते, तो दो कॉलेज लाइब्रेरी में लगा सकता हूँ, एक यहाँ पर एक यहाँ पर लगा सकता हूँ पीछे साइड को। एक्सटेंशन विंग भी लगा सकते हैं, तो ये कॉलेज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अब ज़्यादा बेटर है ना। और ये वाला जो रोड है ना, यहाँ से एक नैरो रोड ले जाके यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। और जैसे इस साइड को ट्री है, सेम ट्री में इस साइड को भी प्लेस कर देता हूँ। इधर को आ जाओ ट्री, और थोड़े ट्री इधर को, इसमें भी ट्री वगैरह। ओके नाइस भाई, कॉलेज कितने का था? 7,50,000 का था भाई, मैं तो बहुत ज्यादा माइनस में जाने लग गया यार। एजुकेशन का बजट कम करना पड़ेगा भाई, एजुकेशन का बजट मैं कर देता हूँ अभी के लिए 70 पे, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं लॉस में जा रहा हूँ। वैसे 50 पे कर दूंगा तो भी तो चलेगा सही ना, एक बार को बस मैं यहाँ पर चेक कर लूंगा। 50 पे मैं अभी चला रहा हूँ, थोड़ी सी कैपेसिटी कम होती है बट अभी तो चल जाएगा आराम से, प्रॉफिट में आ गए। हाई डेंसिटी का डिमांड वैसे आते जा रहा है तो मैं थोड़े बहुत और हाई डेंसिटी के लिए अलॉट कर ही देता हूँ। एक तो बिल्डिंग यहाँ पर बनेगी हाई डेंसिटी की। ये कौन सी हाई डेंसिटी बिल्डिंग है भाई? वेट, इसको डिलीट करो, अब सही है ना? हाँ ये चाहिए था, अब ये बना सकते हो। बाकी उसके बाद एक हाई डेंसिटी की बिल्डिंग बनेगी इस वाले जगह पर। एक बिल्डिंग बन रहा है, पूरा पूरा डिमांड ही गायब हो जा रहा है। अभी यहाँ पर बन रहा है एक, यहाँ पर मैंने अलॉट कर दिया है, बाकी एक अलॉट कर देता हूँ इस वाले जगह पर। जैसे ही डिमांड आएगा वैसे बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले एरिया में भी कुछ चीज़ें मैं लगा देता हूँ, जैसे पुलिस स्टेशन नहीं है यहाँ पर तो एक पुलिस स्टेशन लगा देते हैं इस वाले जगह पर, परफेक्ट। और उसके बाद मैं लगा देता हूँ फायर एंड रेस्क्यू के लिए, लगाऊँ एक फायर हाउस मैंने लगा रखा है इस पूरे सिटी के लिए जो कि यहाँ पर है। तो वैसे एक फायर हाउस हम और बिल्ड कर सकते हैं, तो ये वाला फायर हाउस मैं बिल्ड करता हूँ इधर को, ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा इससे। एक मेडिकल क्लिनिक भी बिल्ड कर देता हूँ, क्योंकि मेडिकल क्लिनिक इधर एक भी नहीं है, तो मेडिकल क्लिनिक आ जाएगा इस वाले जगह पर। चलो, बेसिक फैसिलिटीज जो होती हैं वो तो मैंने यहाँ पर बिल्ड कर दिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इधर के लोगों को। और मेरे पास 1,75,000 ही सिर्फ बचे। ओ भाई, ये सब तो मैं बिल्ड करते जा रहा हूँ बट पैसे मेरे पास एकदम ही खत्म ही होते जा रहे हैं यार। यहाँ पर सीवेज की प्रॉब्लम आने लग गई, ऐसा कैसे हो सकता है? वेट, मुझे ना एडवांस वाला लगता है लगाना पड़ेगा, कहाँ गया? अभी मैंने ये लगा रखा है सीवेज आउटलेट, एडवांस वाले के लिए ये होता है ना वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये कितने में अनलॉक होता है और कितने में बनता है? ये दो डेवलपमेंट पॉइंट में अनलॉक होता है भाई, अनलॉक करो यार, ये तो अभी तक मुझे अनलॉक कर देना चाहिए था। और इसको मैं फटाफट से बिल्ड करता हूँ क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसको बिल्ड करेंगे हम इस वाले एरिए में, यहाँ पर ये आ जाएगा। बट इसको बिल्ड करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है भाई, 4 लाख लगेगा इसको बिल्ड करने में और मेरे पास पैसे बहुत ज्यादा कम है भाई। इतनी गरीबी कैसे आ गई? आज तक मुझे लोन लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ी थी बट लगता है इसमें मुझे लोन लेना ही पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, लोन ले लेता हूँ। कितना लोन लूँ भाई? मुझे चाहिए 5 लाख दे दो भाई, बस इससे ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए। ओके, अभी मैंने यहाँ से लोन ले लिया और अब मैं इसको बिल्ड कर सकता हूँ। ये आ जाएगा, इधर को बिल्ड करूँ या फिर यहीं पर बिल्ड कर दूँ? यहाँ पर आ जाएगा। इतना पैसा लिया और पैसे ख़त्म भाई, ये देखो फिर से माइनस में जा रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे ना यहाँ से टैक्स वगैरह बढ़ाना पड़ेगा। एक काम करो सिटी वालों, अब 14% टैक्स दो भाई, इतना छूट तो कोई नहीं देता होगा भाई जितना मैंने दे रखा है। 12% टैक्स ले रहा था अभी तक, अब 14% टैक्स दो और बजट वगैरह मैं सही करता हूँ। ओके चलो, अब प्लस में आ गए ना? यस, अब प्लस में आ गए, अब ऐसे ही पैसे बढ़ने दो भाई। यहाँ पर बिना किसी रीजन के ये सब कैसे? नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन तो अच्छा लो दिखा रहा है,
वॉकिंग डिस्टेंस टू एलिमेंट्री स्कूल -8 दिखा रहा था, लैक ऑफ एंटरटेनमेंट, अनरिलायबल इंटरनेट सर्विस। ये सब प्रॉब्लम है। अरे भैया जी पहले बताना चाहिए था ना, ऐसे घर छोड़ के कैसे चले जा रहे हो। रुको भाई रुको, बना रहा हूँ। एक एलिमेंट्री स्कूल तुम्हें चाहिए, ये लो भाई एलिमेंट्री स्कूल, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे लिए भाई, सब कुछ बनेगा। एलिमेंट्री स्कूल यहाँ पर बन गया, पार्क वगैरह अभी बनाते हैं। रुको, एक्सटेंशन विंग लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें पार्क लग जाएगा ना। यस, इसको अपग्रेड में कर सकता हूँ। चलो अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर जगह बचा हुआ है, इन फ्यूचर इसको अपग्रेड करेंगे, अभी अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। अचानक से 17,000 का प्रॉफिट कहाँ से आने लग गया भाई, अभी तो 4-5 हजार का नॉर्मल चल रहा था, अभी 17,000-15,000 डायरेक्ट चला गया। ये भी ठीक है। और क्या प्रॉब्लम दिखा रहा था यहाँ पर, लैक ऑफ एंटरटेनमेंट है, अब भी ठीक करके देता हूँ मैं। यहाँ पर मैं बिल्ड करता हूँ थोड़े बहुत पार्क, पार्क बिल्कुल है ही नहीं इधर को, तो प्रॉब्लम तो आएगा ही भाई। एक मैं यहाँ पर प्लाजा बिल्ड कर दूँ क्या इस वाले जगह पर, ऐसे कर सकते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। यस, एक प्लाजा यहाँ पर हो गया, इसके साइड में इधर को मैं रेसिडेंस के लिए अलॉट कर दूंगा, और इधर को मैं बना देता हूँ कुछ और चीजें, जैसे कि मैं एक लार्ज पार्क बना सकता हूँ, नहीं बना सकता तो स्मॉल पार्क बना सकते हैं, यस बना सकता हूँ। इसको मैं यहाँ पर बिल्ड कर देता हूँ, थोड़े बहुत जगह पर मैंने ये सब बिल्ड कर दिया, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैप्पीनेस इनका बढ़ जाएगा। इंटरनेट सर्विस इनको नहीं मिल पा रहा था, अच्छा ये भी बात है, तो तुम्हारे लिए एक टावर बनाना पड़ेगा। अरे यार कितने का आता है ये, 13,000 का ही आता है ना, तो ठीक है भाई ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, टावर तुम्हारे लिए मैं बिल्ड करता हूँ। कहाँ पर बिल्ड करूँ, यहाँ पर लगा दो, चलो इस वाली जगह पर प्लेस कर देते हैं। इसको मैं अपग्रेड कर देता हूँ, वायरलेस नेटवर्क एंटीना ये लगा देता हूँ, और इसका बैंडविड्थ जो है ना वो इंक्रीज कर देता हूँ। चिप बात, अब तो सारी चीजें सही हो गई, बस वॉकिंग डिस्टेंस टू एलिमेंट्री स्कूल ये -4 में दिखा रहा है। हाई क्राइम, अरे भाई ये कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, ये एलिमेंट्री स्कूल वाला क्या प्रॉब्लम चल रहा है भाई। भाई यहीं पर तो एलिमेंट्री स्कूल है बाजू में ही, पैदल चल के जा सकते हो, क्या दिक्कत है तुम्हें। वैसे यहाँ पर पूरा फर्टाइल लैंड पड़ा हुआ है ना, तो इस वाले जगह पर मैं ना थोड़ी फार्मिंग इंडस्ट्री भी बिल्ड करने वाला था। और हाँ लाइव स्टॉक देखोगे तो अभी डेफिसिट में जा रहा है काफी ज्यादा, तो थोड़े बहुत लाइव स्टॉक हमें बिल्ड कर देने चाहिए, और लाइव स्टॉक मैं इस वाले एरिया में बिल्ड कर सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो एक रोड में लेके आता हूँ सीधा यहाँ से यहाँ तक के लिए, इसको इसमें कनेक्ट नहीं करेंगे, और यहाँ पर मैं बिल्ड कर देता हूँ एक लाइव स्टॉक। अरे नहीं लाइव स्टॉक तो कहीं पर भी मैं बिल्ड कर सकता हूँ ना, तो फर्टाइल लैंड क्यों खराब करने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैं वेजिटेबल की फार्मिंग कर सकता हूँ या तो फिर ग्रेन फार्मिंग, ये दोनों डेफिसिट में जा रही हैं। कॉटन तो अभी सरप्लस में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक मैं यहाँ पर ग्रेन का फार्म लगा देता हूँ इस वाले जगह पर बिल्कुल बीच में, और इसका पूरा एरिया फटाफट से मैं क्रिएट कर देता हूँ। ओके डन, एक ग्रेन का फार्म मैंने यहाँ पर लगा दिया। दूसरा मैं लगा सकता हूँ एक वेजिटेबल का इस वाले जगह पर, तो यहाँ पर मैं एक वेजिटेबल के लिए लगा देता हूँ, छोटा सा बस लैंड यहाँ पर बाकी रह गया है, तो ये भी काम में ले लेते हैं। ओके डन, कैसा है भाई, बहुत ज़्यादा सही लग रहा है। अब एक काम करता हूँ, यहाँ से एक ग्रेवल का रोड लेता हूँ, इसको नहीं ऐसे नहीं कर्व करना है मुझे, यहाँ से ये यहाँ तक सीधा जाएगा, फिर यहाँ से इसको कर्व करेंगे इधर के लिए, ये आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ तक ये सीधा ही जाएगा, फिर इसको कर्व करके मैं इधर को कनेक्ट कर दूंगा, बराबर, और इसको इधर से भी कर्व करके मैं यहाँ पर ले चलूँगा। ये बस रैंडम बना रहा हूँ ऐसे, क्योंकि ज़्यादा सीधा सीधा रोड बना देते हैं ना, तो वो भी देखने में अच्छा नहीं लगता, ये सब ऐसे ही रैंडम में बना रहा हूँ, ऐसे सही लग रहा है ना। हाँ ऐसे ज़्यादा सही लग रहा है देखने में। और यहाँ पर भी वही सेम, थोड़े से वेजिटेबल के फार्म, थोड़े से ग्रेन के फार्म, एक ग्रेन का फार्म लगाता हूँ इस साइड को, और एक वेजिटेबल का फार्म लगाएंगे इसमें, इस वाले जगह पर वेजिटेबल का आ जाएगा। ये कैसा लग रहा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा कूल लगने वाला है भाई। और ये वाला जो एरिया बाकी है देखो, यहाँ पर फर्टाइल लैंड थोड़े से बचे हुए, तो इसका कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर मैं बनाऊँगा एक लाइव स्टॉक का, तो ये आ जाएगा इस वाले जगह पर। ओके, तो एक लाइव स्टॉक तो मैंने यहाँ पर लगाया, दूसरा लाइव स्टॉक मैंने यहाँ पर लगा दिया, क्योंकि लाइव स्टॉक का ज़्यादा डेफिसिट चल रहा था, तो अभी मैंने यहाँ पर दो प्लेस कर दिया। और वैसे देखोगे तो ये भी पूरा फर्टाइल लैंड है, ये भी पूरा फर्टाइल लैंड है। एक बार को मैं चेक कर लेता हूँ प्रोडक्शन पैनल क्या सीन चल रहा है। अभी भी ग्रेन का डेफिसिट कैसे चल सकता है भाई, इतना ज़्यादा मैंने प्लेस कर दिया फिर भी डेफिसिट चल रहा है। लाइव स्टॉक का तो बहुत ज़्यादा कम हो गया, और वेजिटेबल का सरप्लस थोड़ा बहुत चल रहा है, बट ग्रेन का बहुत ज़्यादा डेफिसिट चल रहा है। ओके, तो और भी फार्म लगाने पड़ेंगे, तो एक काम करता हूँ ये पूरा कंप्लीट ही कर देता हूँ। ओके, तो अभी मैंने दो और प्लेस कर दिए, एक ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों मैंने ग्रेन के फार्म प्लेस कर दिए। और वैसे देखोगे तो काफी ज्यादा बड़ा फार्मिंग इंडस्ट्री ये बन गया। और एक चीज और करना है, देखो ये ऐसे ना थोड़ा सा सही नहीं लग रहा है, अगर मैं इसके बाजू में
बस ट्री प्लेस कर दूंगा तो इसका लुक थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। इधर को ऐसे ट्री में प्लेस कर सकता हूँ इस साइड को, और ये पूरे में बड़े बड़े ट्री प्लेस कर रहा हूँ, इतने बड़े ट्री हैं। नहीं तो नॉर्मली मैं ट्री प्लेस करता ना तो वो बिल्कुल छोटे छोटे आते हैं, देखने में अच्छे नहीं लगते। ये वाले ट्री थोड़े बड़े होते हैं तो देखने में ज़्यादा कूल लगते हैं। तो यहाँ से लेके इधर तक पूरा ट्री ही ट्री कर दो। ओके, इधर को हो गया। बाकी ये भी थोड़ा सा खाली है ट्री से, इसमें भी पूरा ट्री प्लेस कर देते हैं। यस, अब सही लग रहा है ना? ओ बॉय, क्या ही कूल लग रहा है। यहाँ पर इस वाले हाईवे को ना मैं ब्रिज में बना देता हूँ। देखो, 4 लेन का कोई हाईवे में होता नहीं है ब्रिज, अगर हम देखेंगे यहाँ पर ना तो ये 2 लेन का है। बाकी ये 2 लेन हाईवे 1 वे है, मुझे 1 वे नहीं चाहिए। जैसे ये वाला 4 लेन 2 वे हाईवे है तो उसमें कोई ब्रिज है ही नहीं। यहाँ पर 4 लेन हाईवे 1 वे है, और अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये है 4 लेन आर्च ब्रिज, ये हम बना सकते हैं इस वाले जगह पर, तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो मैं सोच रहा था इसको मैं बिल्ड कर देता हूँ। इसकी हाइट को अपने को करना है इसके बराबर। अब ठीक है, डायरेक्ट कनेक्ट तो हो जा रहा है तो कर देता हूँ। अब सही है क्या? अब ज़्यादा बेटर लग रहा है देखने में। पहले नॉर्मल सा रोड बन रखा था तो वो देखने में ज़्यादा सही नहीं लग रहा था। ब्रिज बना दिया तो देखो देखने में काफ़ी कूल लग रहा है। अगर हम यहाँ से इस वाले रोड से जा रहे हैं ग्रेवल वाले से, तो वैसे तो दिख नहीं रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही ट्री मैंने प्लेस कर दिया है, बट थोड़ा बहुत ऐसे ब्रिज का व्यू देखने को मिलेगा। बाकी इस ब्रिज के सामने अभी बहुत सारे हाई डेंसिटी के बिल्डिंग भी बनने वाले हैं, तो आने वाले टाइम में काफ़ी बढ़िया व्यू अपने को यहाँ से देखने को मिलेगा। वैसे जितनी भी ये हाई डेंसिटी की बिल्डिंग बनी है अभी तक, काफ़ी कूल लग रही है देखने में ना। ओ भाई, इस वाले एरियाज तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ से एक बार ये व्यू देखो भाई, यहाँ से व्हीकल वगैरह जाएंगे और सामने को ये व्यू देखने को मिलेगा। ओपी लग रहा है यार। वैसे ऑफिस की डिमांड और हाई डेंसिटी का डिमांड काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है, तो हाई डेंसिटी तो हमारा इधर वाला एरिया में बनने वाला है। जैसे जैसे डिमांड आते जा रहा है वैसे वैसे हम हाई डेंसिटी की बिल्डिंग बिल्ड करते जाएंगे। एक मैं हाई डेंसिटी यहाँ पर बिल्ड कर देता हूँ बराबर, आई थिंक एक ही बिल्डिंग का डिमांड ही होगा। और उसके बाद अब हम बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे इधर को। इधर को मैं कहाँ पर बिल्ड करूँ? एक हाई डेंसिटी देखो यहाँ पर आ सकता है। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनेगी क्या? यस, एक ही बिल्डिंग का डिमांड ही था भाई। देखो जैसे ही एक बिल्डिंग बना, गायब। ये क्या बात होता है भाई, कम से कम 4-5 बिल्डिंग तो बनने दो यार। एक बिल्डिंग बन रहा है, डिमांड चला जा रहा है। छी भाई, यहाँ पर मैंने अलॉट तो कर दिया, जैसे ही डिमांड आएगा वैसे वहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी ऑफिस का डिमांड आया हुआ है तो मैं सोच रहा था थोड़े से ऑफिस इधर को बना देता हूँ, बट ऑफिस मैंने इधर को बहुत सारा बना रखा है। और हम इस नए वाले एरिया में भी ऑफिस बना सकते हैं वैसे, या तो इसको पूरा ही रूरल एरिया ही रखें, ऐसा भी कर सकते हैं। ये पूरा फार्मिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पर पूरे लो डेंसिटी के रेसिडेंस, बट छोटे मोटे ऑफिस तो चलते हैं। तो एक काम करते हैं, इस वाले जगह पर ये वाला पूरा हो जाएगा ऑफिस के लिए। लो भाई, बनाओ फटाफट से। यहाँ पर थोड़े से ऑफिस बन जाएंगे। वैसे यहाँ पर मुझे पार्किंग भी बिल्ड करना है। यहाँ पर एक बड़ी वाली पार्किंग आ जाएगी क्या? इससे भी बड़ी वाली नहीं आ पाएगा। ये वाले पार्किंग तो आ ही जाएगा ना। ये लो भाई, नहीं यहाँ पर नहीं, इसको इस वाले जगह पर बिल्ड करो, क्योंकि इसका अपग्रेड करेंगे ना तो ये आएगा। हैं, नहीं आ पाएगा? अरे यार, फिर ये पार्किंग नहीं चाहिए अपने को। इसकी जगह पर मैं छोटे वाले पार्किंग लगा देता हूँ, ये वाला चलेगा। अभी लो डेंसिटी का डिमांड वैसे आते ही जा रहा है, और इधर वाला जो एरिया है ना इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा लेआउट और भी ज़्यादा बना के। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना फटाफट से पहले लेआउट क्रिएट कर लेता हूँ लो डेंसिटी के लिए। ओके, तो इधर से बस थोड़े बहुत रोड वगैरह मैंने डिवाइड कर दिए, जैसे एक रोड यहाँ पर, ये वाला और ये वाला, थोड़े से रोड मैंने इधर को बस बना दिया। लो डेंसिटी के लिए मैं पहले ये वाला पूरा अलॉट कर देता हूँ, और एक काम करते हैं थोड़े से अमेरिकन बनाते हैं, ये भी देखने में अच्छे लगते हैं। यहाँ पर लो डेंसिटी बनेंगे बट अमेरिकन स्टाइल में। भाई लोन पे 5.1% का इंटरेस्ट रेट लग रहा है, 25,517 मंथली कॉस्ट आ रहा है। ओ भाई, रीपे कैसे करेंगे? अच्छा, ऐसे रीपे करते हैं क्या? ये लोन रीपे कैसे करते हैं? ऐसे करूंगा तो 50,000 रीपे होगा क्या? ओ अच्छा, ऐसे रीपे होता है। अभी मेरे पास पैसे कम है, इसकी वजह से मैं रीपे पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। अभी मैंने 50,000 का रीपे कर दिया। अब ये 4.8% हो गया, अभी 5.1 था ना, अब 4.8 हो गया। जितना ज़्यादा कम रहेगा उतना कम शायद से लगेगा। अभी वैसे हमारे सिटी के हालात कुछ ज़्यादा ठीक नहीं चल रहे, गवर्नमेंट से सब्सिडी भी लेनी पड़ जा रही है। कोई दिक्कत नहीं है, ये सब तो चलता रहता है। बाकी प्रोडक्शन पैनल तो अभी ठीक ठाक चल रहा है, ग्रेन तो सरप्लस में आ चुका है, वेजिटेबल भी थोड़े से सरप्लस में चल रहे हैं, कॉटन सरप्लस में चल रहे हैं, लाइव स्टॉक अभी भी सरप्लस में नहीं है। और एक चीज़ और कर सकते हैं हम, फॉरेस्ट इंडस्ट्री बना सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री है इससे काफ़ी प्रॉफिट भी होता है,
और इसकी जरूरत भी पूरी सिटी में हर जगह पड़ती है, वुड वगैरह की जरूरत तो पड़ती ही है। स्टोन के लिए मैंने स्टोन माइनिंग लगा दिया और इसका सरप्लस देखो कितना ज्यादा सरप्लस है। तो एक काम करते हैं, फॉरेस्ट इंडस्ट्री भी बना ही देते हैं। बट फॉरेस्ट इंडस्ट्री हम बनाएं किधर को? वैसे है तो ये पूरे मैप में जंगल ही जंगल, जहां पर जाओगे वहां पर जंगल ही जंगल देखने को मिलेगा। ये भी पूरा देखोगे तो फॉरेस्ट इंडस्ट्री बन सकता है। बट इधर को हम अच्छा सा लेआउट बना के सिटी ग्रो कर सकते हैं, देखने में ज्यादा कूल लगेगा। इस वाले जगह पर अगर फॉरेस्ट इंडस्ट्री बना दूंगा तो पूरा का पूरा व्यू ही खराब हो जाएगा। इधर को बना सकते हैं, ये वाला जो एरिया दिख रहे हैं ना, यहाँ पर हम अपनी फॉरेस्ट इंडस्ट्री बिल्ड कर सकते हैं। बट उसके लिए अपने को परचेस करना पड़ेगा टाइल्स, और टाइल्स परचेस करने में लगेंगे काफी ज्यादा पैसे, जो कि हमारे पास अभी है ही नहीं। वैसे इधर परचेस करने में अभी ज्यादा टाइम लगेगा, बट हम यहाँ पर भी तो फॉरेस्ट इंडस्ट्री बना सकते हैं। यहाँ पर भी देखोगे काफी ज्यादा ट्री पड़े हुए हैं और यहाँ पर हमें ज्यादा टाइल्स परचेस नहीं करना पड़ेगा। बस अपने को ये वाला एक टाइल्स परचेस करना पड़ेगा। यस, तो यहाँ पर चलते हैं स्पेशल इंडस्ट्री में और उसके बाद हम चलते हैं फॉरेस्ट्री में। फॉरेस्ट्री लगाने से पहले एक ग्रेवल का रोड लेते हैं जो कि जाएगा इस वाले जगह से। इसको सीधा लेके चलेंगे यहाँ तक बराबर, फिर यहाँ से इसको कर्व करेंगे इस साइड के लिए, और इसको अब मैं लेके जाऊँगा यहाँ तक। ये वाला रोड अभी यहीं तक रहेगा, बाकी इधर भी फॉरेस्ट इंडस्ट्री बनाएंगे तो यहाँ से इस रोड को लेके जा सकते हैं जब टाइल्स वगैरह परचेस करेंगे तो। ये क्या है? अरे हेलो, वेट, ये क्या आ गया भाई? टोरनेडो कैसे आ गया? मैं कहूँ भाई ये क्या आ रहा है, इतना बड़ा बैलून कहाँ से आ रहा है? ओ भाई टोर्नेडो इतना ज्यादा भयंकर, मेरी सिटी बर्बाद होने वाली है। जब मैंने ये वाला मैप स्टार्ट किया था उस टाइम मैंने बोला था कि नेचुरल डिजास्टर मैं ऑन कर देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। बट अब जो होने वाला है वो देखा नहीं जाएगा भाई, इतनी मेहनत से मैं सिटी को ग्रो कर रहा हूँ। और ये देखो आ गया यार, भाई ये देखो पूरे पेड़ वगैरह ऐसे उखाड़ के लेके जा रहा है। इसके अंदर मैं जाऊंगा तो मैं भी गोल गोल घूमूंगा। नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं हो रहा। लॉल, पहली बार देख रहा हूँ यार सिटी स्काइलाइंस 2 में, ये भाई ओपी लग रहा है देखने में। अब देखते हैं हमारे सिटी का क्या हाल होने वाला है। एक काम करते हैं, स्पीड करते हैं, देखते हैं कहाँ से जाता है। अगर इधर से ही निकल जाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ओ बचने वाले हैं, नाइस। ये देखो यहाँ से अब लेफ्ट को जा रहा है, चलो अच्छी बात है। हमारे मेन सिटी में नहीं गया ये, नहीं तो मेन सिटी में जाता तो पूरा ही बर्बाद कर देता। चलो भैया जी निकल जाओ, साइड से निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गायब हो गया? हे हे, बच गए, बच गए भाई, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ, यहीं तक आके खत्म हो गया। अगर इधर को आता ना तो ये सब उड़ा ही ले जाता बिल्कुल। चलो अब हम यहाँ पर अपना फॉरेस्ट इंडस्ट्री बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। इसके बीच से मैं एक और रोड डिवाइड कर देता हूँ जिससे कि मैं यहाँ पर दो प्लेस कर पाऊँ। तो एक प्लेस कर देंगे इस साइड को और दूसरा प्लेस कर देंगे इस साइड को। ओके, एक मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। बाकी ये वाला जो रोड है ना, वैसे इस रोड को भी मैं यहाँ से सीधा ले जाके यहाँ पर कनेक्ट कर सकता हूँ। यस, ये कैसा है? अब ये ज़्यादा बेटर लग रहा है देखने में। इधर को हमारा स्टोन माइनिंग हो रहा है, इधर को हमारा फॉरेस्ट इंडस्ट्री हो जाएगा। दूसरा मैं प्लेस करता हूँ इसके जस्ट सामने इस वाले जगह पर, और इसका एरिया पूरा ये वाला होने वाला है। ओके, तो दूसरा भी मैंने प्लेस कर दिया। वैसे अभी के लिए दो ही रहने दो या फिर एक दो और लगाऊं? वैसे एक और लगा सकता हूँ इस वाले जगह पर, तो यहाँ से ये वाला पूरा एरिया कवर हो जाएगा। चलो डन, अभी के लिए तो तीन फॉरेस्ट इंडस्ट्री इनफ हैं। काफ़ी सारे लोग इधर को आ रहे हैं भाई, पैदल भी लोग जा रहे हैं। भैया जी क्या हो गया, इधर को बस वगैरह नहीं चल रही क्या? वैसे इधर को तो बस वगैरह नहीं चल रही है, ये सारे लोग जा कहाँ पर रहे हैं? मैडम कहाँ जा रहे हो आप? डेस्टिनेशन है कोलेसल ओर, एम्प्लॉयर है कोलेसल ओर पे। ओके, ये जा रहा है इस वाले जगह पर, और यहाँ पर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? ओ भाई, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं, ये सब एम्प्लॉई है यहाँ के काम करने वाले। ओ नाइस, ये तो मैंने आज देखा पहली बार। टैक्सी से लोग वैसे यहाँ पर आ रहे हैं, और टैक्सी से याद आया वैसे मुझे टैक्सी सर्विस स्टार्ट कर देनी चाहिए। भाई बहुत सारे लोग पैदल ही आ रहे हैं यार, कोई यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन है नहीं तो सारे लोग ऐसे ही पैदल चल के आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा दूर से इनको पैदल चलना पड़ रहा है। यहाँ पर कार से आ रहे हैं, ठीक है, कार फिर पार्क करके पैदल जा रहे हैं? नहीं ऐसा तो नहीं होता होगा, कार से भी तो जा सकते हैं ना सीधा। कार पार्किंग में इधर को बना दूँ क्या एक दो? क्योंकि कार से तो आ सकते हैं, ये सब इन्हीं सब के कार होंगे। एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं थोड़े से पार्किंग बना देता हूँ। इनको अगर पार्किंग की कोई दिक्कत हो रही है ना तो भाई कार लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले जगह पर पार्क करो, ठीक है। उसके बाद जहाँ भी तुम्हें जाना है वहाँ पर पैदल चले जा सकते हो,
कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी एक चीज और कर देते हैं, ये जो टैक्सी है ना, टैक्सी डिपो, ये लगा देते हैं। भाई ये तो काफी जरूरी चीज है, ये मुझे बहुत पहले लगा देना चाहिए था, बट अभी मैं इसको काफी ज्यादा लेट लगाने जा रहा हूँ। इसको मैं प्लेस कर देता हूँ इस वाले जगह पर, टैक्सी डिपो मैंने यहाँ पर लगा दिया। कितने का था भाई? 1 लाख का था। ठीक है, कोई पंगे नहीं है, यहाँ से 20 व्हीकल यूज में आ सकती हैं। इसको हम अपग्रेड भी कर सकते हैं, गैराज अपग्रेड करेंगे तो 5 मोर आएंगी, तो अपग्रेड कर ही देता हूँ। और डिस्पैच सेंटर भी लगा देता हूँ, जिससे कि जो जहां पर रहे वो वहां से कॉल करके टैक्सी मंगा ले। ये लगा दो, इलेक्ट्रिक टैक्सी भी लगा देता हूँ, डन सीन है। और उसके बाद अब लगाते हैं टैक्सी के स्टैंड, एक मैं लगा देता हूँ बस स्टेशन के बाजू में यहाँ पर, एक लगाते हैं हम इधर को ट्रेन स्टेशन के बाजू में इस वाले जगह पर लगा देते हैं, एक यहाँ पर लगा देते हैं, दोनों साइड को रहेंगे। वैसे पूरी सिटी में रहना चाहिए, जगह जगह पे मैं प्लेस कर देता हूँ। यहाँ पर प्लेस कर दिया, एक यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, और इधर को भी चाहिए हमें तो इधर को मैं प्लेस कर देता हूँ यहाँ पर, एक यहाँ पर इस वाला ट्रेन स्टेशन के सामने प्लेस कर देते हैं, ये लो भाई। उसके बाद इस वाले एरिया में भी हम प्लेस कर सकते हैं ट्रेन स्टेशन के सामने, यहाँ पर एक एक मैं इधर को प्लेस कर देता हूँ, बाकी यहाँ पर भी प्लेस कर सकते हैं। इधर के लोगों को अगर कहीं पर जाना रहेगा तो यहाँ से टैक्सी स्टैंड से जा सकते हैं। उसके बाद थोड़े बहुत इधर को भी चाहिए मेरे को इस मेन वाले लाइन में, तो इसको ना बिल्कुल सेंटर में प्लेस करते हैं इस वाले जगह पर। टैक्सी स्टैंड यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लेस कर सकते हैं क्या इस वाले रोड पर? शायद से नहीं ना, यस इस वाले रोड पर तो टैक्सी स्टैंड बना ही नहीं सकते। आ सकता है? नहीं, इसको मुझे रोड में अपग्रेड करना पड़ेगा टैक्सी स्टैंड बनाने के लिए, यहाँ तक तो ग्रेवल का आएगा नहीं। तो अगर मैं इसको अपग्रेड कर देता हूँ तो क्या दिक्कत रहेगा? यहाँ से लेके चलते हैं, पूरा रोड ही एक सीधा आ जाएगा यहाँ तक, यहाँ पर अपग्रेड नहीं हो पाएगा, तो इसको करेंगे डिलीट, इसको करेंगे डिलीट। अब अपग्रेड कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद वापस से हम पार्किंग बिल्ड कर देंगे, ये लो। अब डन सीन है, यहाँ तक कार आ पाएगी, तो हम टैक्सी स्टैंड यहाँ पर भी लगा सकते हैं, एक यहाँ पर, नहीं नहीं यहाँ पर नहीं, अरे यार रोड डिलीट कर दिया मैं, यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा ये, इस साइड को लगाता हूँ ना यहाँ पर, यहाँ पर अब बराबर है। चलो भाइयों, टैक्सी यहाँ पर आने स्टार्ट हो जाएगी। बाकी हाँ, तुम्हारे लिए ना बस का ट्रांसपोर्ट भी मैं यहाँ तक ला देता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। एक बस का स्टॉप मैं यहाँ पर बनाता हूँ, एक बनाता हूँ यहाँ पर, बराबर है। और उसके बाद ये वाली जो लाइन है बस वाली, यहाँ से इसको सीधा ड्रैग करके ले चलेंगे यहाँ पर इस वाले जगह पर, डन। और ये वाला इधर को भी ड्रैग करके एक स्टॉप यहाँ पर बिल्ड कर देंगे। ओके, बस आएगी यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से इस पार्किंग में जाएगी, पार्किंग से टर्न लेगी और यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। तो जितने भी लोगों को बस से आना रहेगा वो बस से भी आ सकते हैं, क्योंकि भाई मैं काफी टाइम से देख रहा हूँ जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं ना, बेचारे पैदल ही चल के आ रहे हैं यार। टैक्सी स्टैंड पे देखो कितने सारे लोग अभी से बैठ गए। ओ भाई, और क्या कूल लग रहा है भाई ये वाला एरिया, बहुत ही ज्यादा ओपी, पूरा फॉरेस्ट वाला वाइब आ रहा है भाई यहाँ पर। ये देखो लोग बेचारे पैदल ही चल के आ रहे, अरे सॉरी मैडम थक गई यार, ये देखो भाई थक गई सच में, ऐसे मुंडी हिला रही थी अभी। अरे मैडम चल लो, थोड़ी दूर रह गया है, आराम से चलो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बाकी कल से आप बस से आना, ठीक है? बस का मैंने ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कर दिया, बस से चले आना, कोई दिक्कत नहीं भाई। एकदम मस्त चश्मे उसमें लगा के पैदल चलना पड़ रहा है बेचारी को, ये लोग भी थोड़े दूर चल के थक जा रहे हैं क्या? भाई जंगल में ऐसे खड़े मत रहो, कोई भी चोरी करके ले जाएगा, फिर मेरे को मत बोलना भाई कि मेरे सिटी में चोरी हो रही है। मैं क्या करूँ भाई, बीच जंगल में तुम ऐसे खड़े हो जा रहे हो। ये वाली बस उधर को जा रही है, वैसे इसमें कितने पैसेंजर है? एक भी पैसेंजर नहीं है जी। चलो कोई बात नहीं, पैसेंजर जाना स्टार्ट कर देंगे, अभी पता नहीं था लोगों को ना कि बस का ट्रांसपोर्ट मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है, जैसे ही पता चल जाएगा लोग जाना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ की पार्किंग ऑफ कर दो क्या? पार्किंग ऑफ कर दूंगा तो लोग फिर वहां पर जाएंगे। भाई एक बार बस से व्यू देखो यार, ओ भाई ओपी लग रहा है यार, एक नंबर लग रहा है। एक सामने से भी बस आ रही है। ओके भाई, मैंने यहाँ पर बस चला दिया, टैक्सी चला दिया, फिर भी लोगों को पैदल ही जाना है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, सेहत लोगों का सही रहेगा, पैदल जाएंगे आराम से, सेहत बनाएंगे। जब कोई उतरने ही वाला नहीं है तो रुक रही है ये। अच्छा लोग बैठेंगे हैं, ये बैठे कहाँ जाएंगे? अभी तो ये टर्न होगी यहाँ पर,
अच्छा ये इधर साइड को थे ना, इनको भी सिटी में जाना रहेगा। अब ये बस आएगी यहाँ पर, पार्किंग में आएगी, फिर यहाँ से टर्न लेगी और इधर से ये वाला व्यू देखो कितना ज़्यादा सही लग रहा है। इस बस स्टेशन पे भी थोड़े बहुत लोग हैं, यहाँ पर ये रुकेगी। भाई बस स्टॉप से इतना ज़्यादा आगे रुक रही है, भाई लोग दौड़ के बैठे हैं अभी अभी। ओ भाई सही है यार ये तो। चलो लोग अब बस से जाना स्टार्ट कर दिए धीरे धीरे, बाकी जिनको पैदल जाना है पैदल जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, जैसे जाना है वैसे जाओ। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ गया, क्राइम सीन। ओ भाई क्राइम वगैरह मत करो, सीधा चटका दूंगा, जेल भेज दूंगा मैं। हाई डेंसिटी वैसे यहाँ पर काफी अच्छे लग रहे हैं देखने में, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हाई डेंसिटी के लिए अलॉट किया था, बट काफी छोटे छोटे बिल्डिंग मैंने। एक मुझे यहाँ पर बड़ी वाली हाई डेंसिटी की बिल्डिंग चाहिए, तो उसके लिए मैं इतना एरिया अलॉट करूंगा तो बनेगा। यस ये देखो अब ये बन रही है इतनी बड़ी बिल्डिंग। तो गाइस आज भी हमने वैसे काफी ज्यादा काम कर दिया, इधर को अपना पूरा फार्मिंग इंडस्ट्री ग्रो किया इस वाले एरिया में, और ये देखोगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। इसका लेआउट थोड़ा सा ऐसे रैंडम मैंने बनाया, बट देखने में अच्छा लग रहा है। और इधर भी थोड़ी बहुत सर्विसेज मैंने लगाया, और उसके बाद फाइनली हमारे सिटी में अब थोड़ी बहुत हाई डेंसिटी की बिल्डिंग बनने लग गई है। जैसे जैसे डिमांड आते जाएगा वैसे वैसे हम इस पूरे एरिया को अपग्रेड करते जाएंगे हाई डेंसिटी और मीडियम डेंसिटी में। और हमारे सिटी में अब कॉलेज भी हो गया, इस वाले जगह पर हमने कॉलेज बना दिया है, कॉलेज में लोग पढ़ने आ रहे हैं। यस पढ़ने आ रहे हैं लोग। और उसके बाद सिटी में टैक्सी सर्विस भी स्टार्ट कर दिया है, तो जिनको भी टैक्सी का यूज करना रहेगा वो आराम से टैक्सी का यूज कर सकते हैं। तो चलो गाइस आज की वीडियो के लिए तो बस इतना रखते हैं, आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।